परसवाड़ा के वनांचल क्षेत्रों में आज भी बैगा आदिवासियों के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं बेपटरी हैं। जरूरत के समय शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी लाभ इन भोले भाले आदिवासी बैगाओं के लिए मुनासिब ही नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकारें बैगा समुदाय को विशेष दर्जा देते हुए इनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दम भरती है, किंतु शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलता यह मामला बताने में सक्षम है कि आज भी भोले भाले आदिवासी शासनों की योजनाओं के बावजूद निरीह सा जीवन जीने को मजबूर हैं। जमीनी हकीकत देखी जाए तो शासन प्रशासन के तमाम दावे यहां पर झूठे साबित होते हैं। आदिवासी बाहुल क्षेत्र परसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दम भरने वाली शासन की योजनाओं का लाभ एक मासूम से बालक को नहीं मिल पाया है, जो कि रात भर मधुमक्खियों के काटने की असहनीय पीड़ा को सहते रहा। आखिरकार असहनीय दर्द के चलते मासूम अचेत पड़ गया, जिसे दूसरे दिन उसकी बड़ी माँ किसी तरह लेकर अस्पताल पहुँच पाई। मधुमक्खियों से घायल हुआ बालक अचेत अवस्था में यूं ही ऐसे असहनीय पीड़ा सहते रहा, जिसे दूसरे दिन सुबह तक 108 की सुविधा नहीं मिल पाई। धिक्कार है ऐसे शासन की योजनाओं का जो एक मासूम से बच्चे को मुहैया नहीं करा जा सकी, जिसके चलते असहनीय पीड़ा से कराहते कराहते नन्ना बच्चा अचेत पड़ गया। मामला परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला है, जहां तकरीबन 2 वर्ष के एक नन्हे से बच्चे को अचेत अवस्था में उसकी बड़ी माँ लेकर परसवा अस्पताल पहुँचे। घायल बालक संतराम की बड़ी माँ कुलवंती टेकाम ने बताया कि जब वह बांस काटने जंगल नहरा नदी की ओर गए हुए थे, तब सिर पर बांस का गट्ठा था और गोद में बच्चा रख कर जा रहे थे, तभी कुछ दूरी पर ही मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे मधुमक्खियों ने बच्चे को भी काट लिया। माँ ने बताया कि बचाव के लिए बांस के गट्ठे को नीचे फेंक कर बच्चे सहित पानी में डूब गए, जिसके बाद किसी तरह से हम घर पहुँचे और बच्चे की हालात को देखते हुए वह शाम 4 बजे डायल 108 को फोन करके बुलाया, परंतु आधे घंटे में पहुँचने की बात कहकर भी 108 की सुविधा नहीं मिल पी। मजबूरन रात भर बच्चे को साधन के अभाव में किसी तरह घर पर रखना पड़ा। जैसे तैसे रात बीतने के बाद महिला कुलवती ने बुधवार की सुबह 6 बजे भी एक बार फिर 108 को फोन किया, पर सुविधा नहीं मिल पाई। परसवाड़ा क्षेत्र की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह सरकार की योजनाओं को बिना कोसे नहीं रह पाया। परसवाड़ा के ग्राम कुकड़ा की इस खबर ने सरकार की लचर व्यवस्थाओं और सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें यहां के स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को बयां कर किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लचर व्यवस्था ने एक मासूम बालक को अचेत अवस्था में दिन और पूरी रात असहनीय कष्ट सहने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु ध्यय है वह माँ यशोदा, जिसने 5 किलोमीटर के पथरीले रास्ते को लांघ कर पैदल चलते हुए बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए घर से निकल पड़ी और 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ग्राम चीनी पहुँच कर राह में किसी से सहायता लेकर जैसे तैसे अस्पताल पहुंच पाई, जिसके बाद नन्हे से बालक का इलाज शुरू हुआ। 5 किलोमीटर पैदल चलकर चीनी पहुंची महिला कुकड़ा निवासी बैगा समुदाय की महिला फूलवती टेकाम ने बताया कि 108 की सुविधा नहीं मिल पाने से बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए ग्राम चीनी तक पैदल ही चली, जो परसवाड़ा से ग्राम कुकड़ा 12 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन ग्राम चीनी पहुंचने पर चीनी निवासी एक युवक ने अपने मोटरसाइकिल पर हम दोनों को परसवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। इधर आपको बता दें कि मधुमक्खी के काटने से घायल उक्त बालक की माता का बच्चों के जन्म के बाद ही स्वर्गवास हो गया। जैसे तैसे पालन पोषण करने वाले पिता भी रीत के हमले में 2 वर्ष पहले घायल हो गए, जो कि अब अपाहिज है। कुकड़ा की फूलवती टेकाम बताती है कि बच्चे के पिता इंदल सिंह टेकाम को भी मधुमक्खियों ने काट लिया है, परंतु सुविधाओं के अभाव में वह अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया। कहाँ रहते हैं? कुकड़ा। ये क्या हुआ था छोटे बच्चे के साथ? छोटा बच्चा को मधुमक्खी चबा। कल कितने समय? कल 4 बजे।
फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसने उसके बाद हम हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगा, लगाने के बाद में फिर सुबह लगाए तो बोले कि नहीं अभी आ रहे हैं, बोले आ रहे, आने के बाद में फिर हमको बोले यहाँ अभी आ जाएंगे आधे घंटे के बाद रुको, बोले तो रुक गए आधे घंटे के बाद में नहीं आए तो हम पैदल आए। पैदल आ रहे थे? हाँ पैदल आने के बाद। कहाँ कहाँ से पैदल आ रहे थे? हम कुकड़ा से पैदल आए, कुकड़ा से पैदल आने के बाद में चीनी में भैया मिला तो उसको बोले कि आप जाते हो भैया तो हम खुली जा रहा, तो उस भैया हमको बैठा के ला लिया। किसमें बैठा के लाए? भैया का नाम नहीं जानता मैं, मोटरसाइकिल में आओ ना। हाँ मोटरसाइकिल। अच्छा कितने समय आपने लगाए थे मतलब 108 को? 108 को हम 4 बजे लगाए और 1 सुबह सुबह 6 बजे। फिर भी नहीं है अभी? नहीं। अभी तक नहीं पहुँचा? नहीं। ठीक। ये बच्चे का क्या नाम है? संतलाल। और उसके पिता का क्या नाम है? इसका पिता का नाम है लिखा सिंह टेका। ये वही बच्चे हैं ना जो चार भाई बहन है जो? हाँ हाँ। जिनकी माता नहीं है अभी बीच में? हाँ। पिछले साल जिनकी डेथ हो गई। हाँ। थी। सर आज जो बच्चा अभी आया है जी वार्ड में, क्या कैसी हालत है सर? अभी तो फिलहाल वाइटल से स्टेबल है उसके, और लेकिन चूँकि मधुमक्खी काटने का केस है और एक दिन से ज़्यादा हो चुका है, लाने में देरी भी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू करवा दिया है, जितने भी उसमें कांटे जो रहते हैं मधुमक्खी को वो भी निकलवा दिए हैं, और उसके बाद में लेकिन ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आगे ज़रूरत पड़े बच्चे को, उसको ध्यान रखें आगे हम इलाज करें, और बाकी अभी तो फिलहाल अच्छी कंडीशन है बच्चे की, ऑक्सीजन भी लगा दिया है हमने थोड़ा सा, बाकी आसानी मिले ट्रीटमेंट में। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत के साथ हर्ष पांडे।